देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ये अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की आखिरी विदाई की तस्वीर है। दूर दूर तक अथाह जनसैलाब। हाल के सालों में ऐसी आखिरी विदाई बहुत कम लोगों को नसीब हुई, ऐसा मानो पूरा शहर सड़कों पर उमड़ आया हो। सुलेमानी के गृह शहर ईरान के करमान शहर में ईरानी कमांडर के जनाजे में माना जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सुलेमानी के जनाजे में काली पोशाक शामिल हुए लोगों के चेहरों पर गम और गुस्सा साफ झलक रहा था। कई लोग तो अपने आंसू नहीं रोक पाए और फफक कर रो पड़े। करमान शहर के आजादी चौक पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे में लिपटे दो ताबूत रखे गए थे। एक ताबूत में सुलेमानी का शव था और दूसरे ताबूत में उनके करीबी सहयोगी ब्रिगेडियर जनरल हुसैनपुर जाफरी शिराज का। इस जनाजे में जुटी भीड़ की तुलना आधुनिक ईरान के इतिहास में आयतुल्ला खुमैनी की अंतिम यात्रा से की जा रही है, जब 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर को विदाई देने अथाह जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा था। सोशल मीडिया में कई लोग इस जनसैलाब की तुलना रूस के जोसेफ स्टालिन, वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो की अंतिम यात्रा से की है। जितनी तादाद में लोग ईरान के करमान शहर में मौजूद थे, उसी तादाद में तेहरान, कोम, मशहद और अहवाज में भी सड़कों पर लोगों की मौजूदगी थी। लोगों की भीड़ बता रही थी कि अमेरिका ने ड्रोन हमले में सुलेमानी को मारकर किस तरह ईरान को फिर से एक कर दिया है। गौरतलब है कि ईरान पिछले काफी समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन का गवाह बना रहा, लेकिन सुलेमानी की अंतिम यात्रा में ईरान एकजुट नजर आ रहा है। जब सड़कों पर इस तरह 10 लाख लोगों का सैलाब उमड़ा हो तो इन्हें संभालना वाकई बेहद मुश्किल काम है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जनाजे के दौरान भगदड़ में करीब 56 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। बहरहाल अंतिम यात्रा में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ अमेरिका के लिए परेशानी की खबर हो सकती थी। जनाजे में ईरानी नेताओं ने बदले की कसम भी खाई है।